बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। क्या फिल्मों और वेब सीरीज पर हो रही कंट्रोवर्सी से डर गए हैं करण जौहर? क्या अब स्टार किड्स के साथ करण जौहर नहीं बनाएंगे एक भी फिल्म? वेल, आखिर क्यों? करण जौहर की फिल्म तख्त, जिसमें करीना कपूर खान, जानवी कपूर और आलिया भट्ट जैसे सितारे थे, वो फिल्म अब बंद हो रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। ऐ दिल है मुश्किल के बाद तख्त को बतौर डायरेक्टर करण जौहर की वापसी के तौर पर देखा जा रहा था। फिल्म में रणवीर सिंह और विकी कौशल दारा सिकोह और औरंगजेब की भूमिका करने वाले थे। फिल्म में अनिल कपूर शाहजहां, करीना कपूर जहानारा बेगम और आलिया भट्ट दिलराज बानो के रोल करने वाली थी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म में भूमि पेडनेकर और जानवी कपूर भी अहम भूमिका निभाती हुई दिखने वाली थी। लेकिन फिल्म और सीरीज के कंटेंट को लेकर मचे बवाल के बाद अब मेकर्स किसी भी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने से पहले खूब सोच रहे हैं। जब से तांडव को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, तब से पॉलिटिकल और ऐतिहासिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों से मेकर्स ने खासी दूरी बना ली है। और ऐसे ही हैं करण जौहर, जिनकी मल्टी स्टारर फिल्म तख्त अब ठंडे बस्ते में चली गई है। इसके पीछे कई वजह सामने आई है। सबसे बड़ी वजह है देश का ताजा राजनीतिक माहौल। फिल्म मुगल शासक औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच सिंहासन की लड़ाई पर आधारित है, लेकिन मेकर्स को लगता है कि ताजा माहौल के बीच मुगल इतिहास पर फिल्म बनाना उन्हें परेशानी में डाल सकता है। इसके अलावा ऐतिहासिक फिल्मों का विरोध भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसके चलते किसी भी फिल्म को रिलीज करने में काफी दिक्कत आती है। वहीं करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए रखा गया है, लेकिन कोरोना वायरस और इसके चलते लगे लॉकडाउन की वजह से फिल्म बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए मेकर्स अब इतनी महंगी फिल्म बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पहले से ही उनकी एक फिल्म ब्रह्मास्त्र अटकी हुई है, जिसका बजट करीब 350 करोड़ रुपए है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टारर ये फिल्म कब रिलीज होगी, अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई स्टूडियो ये फिल्म लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उन्हें भी फिल्म के विवाद में फंसने का अंदेशा है। वेल, फ्यूचर में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल करण जौहर की ये फिल्म बंद हो चुकी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही करण जौहर इस फिल्म पर काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सालों बाद जरूर वो इस फिल्म को दोबारा शुरू करेंगे। क्या आप ये फिल्म बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहेंगे? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।